लेकिन उससे उसके साथ साथ मैं एक गेम खेलूंगा जिसका नाम है पोल्टी। याद रहे, तीन पोल्टियां लेकर आनी है। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुबा, आपकी बारी है आज, बताइए कैप्टन। बात करने के लिए, कुछ कहने के लिए, जाओ जाओ जाओ, बताइए। चैंपियंस। और टॉस, आज टिकटॉकर्स जीते हैं, चैंपियंस हार गए हैं। आज टॉस पोटली का, और ये टॉस बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है जी। पोटली का टॉस था जो आप लोग हारे हैं। आइए तीन कोई भी प्लेयर्स आ जाइए मेरे साथ, गार आपका इंतजार कर रहा है। बड़े दिनों के बाद ये मौका आया है कि टीम टिकटॉकर्स आज पहले जा रही है। बोलिए। बोल जा सिंह सिंह। जाइए अब्दुल बासित, कोई भी अपनी पसंद की नौ पोटलियों में से एक पोटली ले आइए। नंबर वन जाइए, रबी का जाओ जल्दी से। रबी का वैसे लेकर आती है पोटली नंबर दो, लेकिन आज देखूंगा कि ये क्या लेकर आती है। और नंबर आठ की तरफ इनका हाथ गया, और नंबर आठ लेके बाहर जाइए। अच्छा ताज, जल्दी से कोई भी एक पोटली। कैसे हो मसूद, खैरियत से हो? हाँ भाई। नंबर तीन नहीं, नंबर तीन नहीं, ओके। नंबर सात, ओके। सात, आठ और एक लेकर आए हैं टीम टिकटॉकर्स। बारी है टीम चैंपियंस की। एक दो, एक प्लेयर और चाहिए। सिद्रा, सिद्रा आपने ड्रॉ नहीं करना है। चीटिंग माइनस बिटवीन टू बिलाल एंड हुसैन। आइए जल्दी से, चलिए जी, खुलवाइए माइक, किसके पास है? बोल जा सिम सिम। जाओ कैप्टन, जाके कोई भी एक पोटली ले आइए। याद रहे ये गेम तीन पॉइंट्स का है। जल्दी से, एक तो तूबा अंदर जाके सो जाती है। ये देखो तूबा, खोपड़ी ले आओ। तूबा एक ही पोटली लानी है। सही है, सही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार ये क्या बकवास, कौन सी पोटली लाई हो? तीन नंबर सिद्रा। जल्दी से, जल्दी से। अभी हाँ, आपने स्केच नहीं बनवाना है, मैं माइनस टू कर। बनाना है सिर्फ बिलाल ने, वहां से बनाना है सिर्फ हुसैन ने। हाँ जी बताइए जल्दी से। आमिर जल्दी से, टाइम जा रहा है आमिर। एक तो इसकी कैलकुलेशन खत्म नहीं हो, रोज गलत कैलकुलेशन करता है, फिर भी कैलकुलेशन पे आ जाता है ये आदमी। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ बाहर। नंबर फाइव, नंबर नाइन और नंबर थ्री। चलिए भाई तीनों ऑड नंबर्स है। जाइए 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 जाइए, वहां बैठ के आराम से लड़िएगा ना। अगर हार जाए तो पहले खेल तो लो, देखो तो कि पोटलियों में निकला क्या है। और आज टॉस जीता है काफी अरसे के बाद गेम पोटली में टीम टिकटॉकर्स ने, इसलिए पहले आप गए गार के अंदर अपनी मनपसंद तीन पोटलियां लेकर आए हैं। आज जीत जाना यार, तुम लोग रोज हार रहे हो ये वाला गेम। ये गेम माना के डिपेंड करता है किस्मत के ऊपर, तो दुआ किया करो ना किस्मत अच्छा होने की। आज जीतेंगे, आज जीतोगे। खोल के ना देखना बस के अंदर, वो मैंने चेक करना है। चलो जी शुरू करूंगा। सबसे पहले तूबा की पोटली लाओ ना जल्दी से काशिफ। तूबा की पोटली नंबर तीन, ये कैप्टन की पोटली है, और देखते हैं ये तीन नंबर पोटली आज क्या लेकर आई है। अभी हाँ, क्या लगता है क्या है इसमें? सिक्स रैंक्स प्लस में जी। चलिए आमिर साहब, वन टू थ्री। अच्छा मतलब कुछ ज्यादा सोच लो, 10 लाख सोच लो, 1 2 3। नहीं नहीं मुझे कैलकुलेशन के हिसाब से पता लग रहा है जो हाँ। कल गलत हो गई थी। अच्छा हुआ कल गलत हो गई थी, वरना हार जाते ये लोग। हाँ जी तूबा, क्या लगता है आपको? होप सो 10 लाख। होप सो 10 लाख। और नंबर कौन सा? नंबर थ्री। 4 2 7 प्लस में यस चाहिए। अच्छा मां तू बताइए रवि का कितना होगा इसमें अमाउंट? 2 लाख। कैप्टन की पोटली कैप्टन वाली होनी चाहिए थी, एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए था, ताकि टीम चैंपियंस आज कुछ अमाउंट ज्यादा बड़ा बड़े अमाउंट के साथ स्टार्ट करती। लेकिन पता नहीं ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। आमिर तुम्हें क्या लगता है? मेरी आंखें क्या बता रही है? बताया था ना 1 से 3 लाख। मेरी आंखों की सरगोशियां तुम्हें क्या बता रही है आमिर? सर 1 से 3 लाख। 1 से 3 लाख है प्लस में पगले, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा जल्दी से कि भाई तीन नंबर पोटली में आज तूबा जी जो कि कैप्टन है टीम चैंपियंस की, वो कितना बड़ा अमाउंट लेकर आई है टीम चैंपियंस के लिए। हाँ भाई शाहदाज, क्या लगता है तुम्हें? तुम क्यों परेशान हो रही? तुम्हारी पोटली थोड़ी खुल रही है। अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब तुम माइनस बोलती हो तो निकलता है प्लस में। तुमने पहले माइनस बोला शाहदाज, तुमने पहले बोला माइनस में निकलना चाहिए, और शाहदाज जब जब माइनस बोलती है
निकलता है प्लस, लेकिन है माइनस 6 लाख। कितनी खुशी हुई है, इतनी खुशी, इतनी खुशी रबीका को, माइनस 6 लाख। आमिर 1 से 3, रबीका 6, सॉरी अभी 6 और आप 7 लाख। बहुत आला, जबरदस्त। मैंने वही आपसे कहा था, प्लस में या माइनस में, आपने कहा प्लस में। खैर बहुत डिफरेंस है प्लस 6 में और माइनस 6 में, 12 लाख का फर्क पड़ जाता है। बहुत बुरा स्टार्ट हुआ है टीम चैंपियंस का, आज माइनस 6 लाख रुपए हैं अकाउंट में। आइए सबसे पहले मैं पोल्ट्री ओपन करूंगा रबीका की, पोल्ट्री नंबर 8 लेकर आई थी, ये बड़ी खुश है। अब बताता हूँ इनकी खुशी यहीं तक इनके साथ थी, ये आगे कंटिन्यू कर जाएगी। जनाब सबसे पहले पूछूंगा, माइक दो ना, बेचारी अलग करके बिठा दिया उसको, एक तो हरीम को। हरीम कितना अमाउंट है इसमें? प्लस 6 लाख। प्लस 6 लाख, पक्की बात है? पक्का। चलो ठीक है, रबीका ज्यादा नहीं बोलूंगी, 7 लाख। अरे ये ज्यादा नहीं है 7 लाख? अच्छा हाँ भाई अब्दुल बासित, 8 लाख प्लस में, प्लस में शायद प्लस 7, यानी कि माइनस निकला है। नहीं नहीं नहीं, अब तो बोल दिया, बोलो भाई। माइनस 5 लाख। माइनस 5 लाख, कोई दुश्मनी चल रही है इनके साथ आपकी? नहीं, लेकिन शायद प्लस में निकले। चलिए जी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है, इतना अच्छा मौका। 8 नंबर तुम लोग पहले गए थे आज घर के अंदर, अगर यही लेकर आना था तो बाद में चले जाते। ऐसा क्या निकल? आमिर कितना अमाउंट है इसमें? 1 से 3 इसमें, मैंने वो गलत बता दिया था। अच्छा फिर गलत बता रहे हो। 8 नंबर पोटली लेकर आई है रबीका, माइनस 6 लाख थे टीम चैंपियंस के, लेकिन आप लोग भी कुछ पीछे नहीं रहे। और क्या, नहीं नहीं मैं लेकर आया हूँ क्या पोटली? रबीका तुम ही तो लाइयो। जी जी। तो रबीका लेकर आई है, तुम काम करो ना। तो ये कौन है इस आदमी ने जो शक्ल बनाई है, जहाँ कान होते वहां से हाथ निकल आए छोटे छोटे, अभी मैं दिखाऊंगा किसने क्या बनाया। खैर रबीका लेकर आई टीम टिकटॉकर्स के लिए पोटली नंबर 8, और आज 8 नंबर पोटली में रबीका, बहुत बड़ा चांस था तुम्हारे पास, तुमने चांस को अवेल ही न कर लिया। 5 लाख प्लस में, थैंक गॉड, 5 लाख प्लस, 11 लाख का फर्क हो गया भाई, माइनस 6 लाख वहां 5 लाख। लाइए जी सिद्रा की पोटली चाहिए मुझे टीम चैंपियंस के पास से, पोटली नंबर 9। सिद्रा कितना अमाउंट है? हाँ बताइए जल्दी से। 8 और 9 लाख। हाँ 8 और 9 लाख प्लस में। यस। अच्छा जनाब तूबा जी डिसार्ड हो गई है, बताइए कितना अमाउंट अच्छा होगा? कितना अच्छा, दोस्त के लिए दो ही कर दो, 10-12 लाख बोल दो। 9 लाख। ओके आमिर साहब, आज जो बोल रहे हैं वो नहीं, कल से वो नहीं हो रहा जो आप बोले जा रहे हैं। नहीं लेकिन मेरा थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं चल रहा आमिर, आमिर कुछ नहीं चल रहा, चल रहा है। बताओ कितना अमाउंट है? 7 लाख प्लस में। चलिए जी अभी आप बताइए। 8 लाख प्लस में जी। चलिए जी ओके, यहाँ से मीर जंगी से पूछना चाहूंगा, क्या लगता है तुम्हें कितना अमाउंट है? -10 लाख। -10 लाख डायरेक्ट? बिल्कुल, फिर तो खत्म ही हो जाएगा बेचारों के लिए गेम, अगर -10 लाख निकल आया 9 नंबर पोटली में। मैं जल्दी से ओपन करता हूँ 9 नंबर पोटली और देखकर बताता हूँ। समझ नहीं आ रहा। आज किस्मत तुम लोगों के साथ नहीं है, रोज जीत रहे थे पोटली ये लोग, आज किस्मत इनके साथ मुझे नहीं लग रही है, आज किस्मत तुम लोगों के साथ है अभी तक फिलहाल अभी तक, लेकिन आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है ना। लेकिन मुझे ये पता है कि आम जब बिलाल ये स्केच बना के रेडी कर लेगा तो बड़ी तालियां बजेंगी, वाह 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 वाह। और हुसैन का भी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि किसी के यहाँ से हाथ कैसे निकलते हैं, तुमने हाथ कहाँ से बनाए? ये इसका अपना स्टाइल है। अच्छा जी हुसैन का दिखाइए जरा, इन्होंने क्या बनाया, इतना मोटा। ये क्या है भाई? बहुत आला। सुनो बिलाल वो बहुत फनी बना रहा है, तुम भी लिख सकते हो उसमें चीजें, देखो उसने चीजें ऐड की हुई है, तुम भी चीजें ऐड कर सकते हो, इसके दिल में क्या हो सकता है, इसके दिमाग में क्या है, वो तो खूबसूरती से उसकी आंखें बना रहा है। ना 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 ना, दानिश भाई आपका काम नहीं, आप जाओ बैठो। दानिश भाई हाँ, ये तो सैन स्केच अच्छा बनाता है लेकिन इतने से चार्ट में बिलाल पूरा नहीं आ सकता।
चलिए जी, मैं जल्दी से बताऊं कि 9 नंबर 40 में आज बहुत बड़ा एक अमाउंट ड्यू था टीम चैंपियंस के ऊपर, क्योंकि टीम चैंपियंस की पहली 40 में निकले थे माइनस 6 लाख। रबिका कितना अमाउंट निकला होगा? प्लस 2 लाख। अच्छा, 10 लाख भी नहीं निकला बाय द वे अभी तक। हाँ भाई हरीम, प्लस 10 लाख। आप लोग, आप टीम टिकटॉकर्स की तरफ से या चैंपियंस की तरफ से, कहाँ से खेल रही हो? माइक दो। प्लस बोलेंगे तो माइनस शायद आ जाए। अच्छा, सबने उल्टे शाताज की कॉपी कर रहे हैं सब, यानी। चलो भाई, इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, होता वही है जो किस्मत में होता है। और आमिर ने बोला कि 1 से 3 लाख प्लस में, 1 से 7, पक्की बात 7 लाख बोला था। चलो देखा तो नहीं है ना तुमने, 7 लाख आमिर ने बोला। मुझे लग रहा था कि पहले 1 से 3 लाख बोला था, लेकिन 7 लाख बोला, और इस बार आमिर बिल्कुल गलत, -4 लाख। -4 लाख गाइस, तो ये हो गए -10 लाख। ये क्या हुआ आज तुम लोगों के साथ? आमिर जो जो तुम बोल रहे हो एग्जैक्टली वही नहीं हो रहा है। ऑप्शन नहीं मिला ना, पहले वो लोग चले गए, मुझे नंबर 1 चाहिए थी। किस्मत है ना बेटा, आप लोग टॉस हारे हो, आपके कैप्टन से ही टॉस हुआ था, ये खुद टॉस हारी थी। खैर, पता ही नहीं था वो पोटली का। 5 लाख रुपए जमा कर लिए हैं टिकटॉकर्स ने, और ये 3 पॉइंट बहुत जल्दी तुम लोगों के पास आने वाले हैं इंशाल्लाह। बट सिर्फ ये ना हो कि तुम्हारी किसी पोटली में -10 लाख निकल आए। लाओ भाई पोटली नंबर 1 तो लाओ। सबसे पहले गए थे अब्दुल बासित और 1 नंबर पोटली लेकर आए थे। मैं बताता हूँ कि ये 1 नंबर पोटली इस गेम में आज कुछ चेंजेस लाएगी या नहीं। हाँ भाई, क्या लगता है हरीम तुम्हें कितना अमाउंट है इसमें? +10 लाख है यहाँ पे। हाँ भाई रबिका, 10 लाख। इतनी खुशी। हाँ भाई अब्दुल बासित, +10 लाख। अच्छा, हाँ भाई शाहताज, -8 लाख। हाँ भाई मीर, 2 से 3 लाख। एक बताओ, 2 या 3? 2 लाख। 2 लाख रुपए बोले हैं मीर ने। यहाँ से अभिया से पूछना चाहूंगा, अभिया आमिर जो बोल रहा है वो तो हो नहीं रहा, तुम जो बोल रही हो वो माइनस में निकल आता है। अब बताओ क्या है इसमें? प्लस में होगा अमाउंट। कितना? 8 लाख। अच्छा जी, तुबा जी क्या लगता है आपको? -10 लाख। -10 लाख। अच्छा, कोई पर्सनल दुश्मनी चल रही है? आपके टीम मेट थे ये लाहौर के, याद है आपको? भूल गई भाई, बड़ी जल्दी भूल जाती है तुबा जी। तो चलो मैं बताता हूँ कि आज ये 1 नंबर पोटली जो सबसे पहले गेम के अंदर शामिल हुई थी, क्योंकि अब्दुल बासित सबसे पहले गार में गए थे और टीम टिकटॉकर्स के लिए पोटली नंबर 1 लेकर आए थे। बासित, 9 पोटलियां थी, 1 क्यों लिया है? सबसे पहला था, मुझे लगा ऐसी में याद रखे होंगे। किसने रखे होंगे? जो रखते हैं उन्होंने पहली पोटली में आज बड़ा अमाउंट रखा होगा। अच्छा, इसलिए लेकर आए हो नंबर 1। तो मैं जल्दी से बताता हूँ किसने बोला ये। आमिर साहब आपको क्या लगता है? अब कुछ पढ़ रहे थे आप। हाँ, नंबर 1 मुझे लेनी थी, मतलब मैंने सोचा था नंबर 1 में 7 से 10 लाख पक्का कंफर्म है, तो मुझे एक नंबर 1 लेनी थी, लेके आ गए। आमिर ने बोला जी कि 7 से 10 लाख छीन लिए मैंने, और पता नहीं किसने किसका बिस्किट छीना है या बिस्किट बासी होगी। अब्दुल बासित 1 नंबर पोटली लेकर आए टीम टिकटॉकर्स के लिए। टिकटॉकर्स अभी तक तो जीत रहे थे, लेकिन माइनस के बाद, और अगर -10 हो जाए तो नहीं हुए -10, 4 लाख प्लस में। 4 लाख, 1 से 7 लाख, 7 लाख। आमिर जो बोल रहे हैं वो नहीं हो रहा आज। इनका अमाउंट हो गया जी 5, 4, 9 लाख। आपका टोटल अमाउंट है जी -10 लाख। अब डिपेंड करता है तुम्हारी पोटली में अगर 10 लाख निकल आता है तो तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा 0। फिर यहां से -10 लाख निकलता है तो ही जीत पाओगे तुम लोग। आइए भाई जल्दी से, बड़ी ही क्रूशल स्टेज पर आ गई है ये पोटली वाला गेम हमारा आज का। आमिर लेकर आए पोटली नंबर 5। क्या कह रही हैं आप? माइक में बताइए। इसमें भी कुछ बुराई निकलेगा। बुराई निकलेगा आज, बुराई चल रही है यानी के दुबा कुछ। अच्छा, तो दोनों का बुरा निकल गया, तीसरे का भी बुरा ही निकलेगा। नहीं, हो सकता है 10 लाख प्लस में निकला है उसका, फिर अल्लाह करे निकला है ना। हाँ जी अभिया जी, नहीं अच्छा निकलेगा, अच्छा निकलेगा, आमने के बराबर मैटी इसलिए। नहीं अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ भाई शाताज, तुम चाहती हो प्लस में निकले यानी?
इतना प्यार माइनस ही निकले, अभी माइनस ही निकला था ना। अच्छा चलो मैं बताता हूँ जल्दी से, पांच नंबर पोटली, आज पोटली के गेम को थोड़ा सा चेंज करेगी या नहीं करेगी? आमिर साहब जरा बताइए तो, ये पांच नंबर मुझे ना पांच नंबर लेना नहीं चाहता, लेकिन अब तो लिया। मैं लास्ट में गया हूँ, मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन नहीं, इतने तो थे ना कि तुम दो तीन चार पोटलियों में से कोई एक ले आते। हाँ, तुम खुद लेकर आए पोटली नंबर पांच, क्यों लेकर आए? पसंद ही नहीं है ये, अब तो ले आए। अब क्या लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को जो काम पसंद नहीं होता वो इंसान को करना पड़ जाता है, एक्चुअली किस्मत उससे करवाती है और वो उसके लिए बेहतर हो जाता है। असल में मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का माइनस में निकला है तो इनसे ज्यादा मेरा माइनस में निकले, ताकि इनका दिल मतलब बन जाए, दिल ना टूटे कि नहीं चलो आमिर साहब का ज्यादा माइनस में निकला। हाँ। तो आपको लग रहा है इसमें माइनस में अमाउंट है? हाँ मुझे लग रहा है। अभी बताता हूँ। हाँ जी मीर जंगी बताइए। माइनस पांच लाख जी। मैंने क्या बोला था कि अगर 10 लाख निकल आता है तो चीजें बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी उनकी। खैर तुमने बोला -5 लाख, रवि का बताओ। +4 लाख जी। हरीम -7 लाख बहुत आला जी। शाताज आपको क्या लगता है, -8 लाख? अरे शाताज देखभाल के दुआ तो क्या करो, कभी कभी दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं। मैं बताता हूँ जी, पांच नंबर पोटली जो कि आमिर लेकर आए। आमिर ने कहा कि मैं ये पोटली नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन किस्मत ने मजबूर किया आमिर को ये पोटली लाने के लिए। पहले निकला था जी -6 लाख जो तूबा लाई थी, फिर निकला -4 लाख जो सिद्रा लाई थी। और आमिर, जरूरी नहीं होता कि सबका माइनस निकले, जहां जरूरत थी बहुत आज चैंपियंस को एक बड़ा अमाउंट लाने की, और आमिर उसमें पास नहीं हुआ, फेल हो गया -8 लाख। -8 लाख आज एक जो के चैंपियन ने बनाया है, इनकी तीनों पोर्टलियों में आज माइनस के अमाउंट निकले हैं। सबसे पहले -6 लाख, फिर -4 लाख और फिर -8 लाख, तो ये होगा टोटल -18 लाख। बहुत आला जी बताइए, यहाँ पे अगर हम पोटली लेके आ जाए तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना? मैं बताऊंगा आपको, जरूरी नहीं है, अगर मैं बोलूंगा चली जाइए कर लीजिए तो कर सकते हैं। नहीं, आमिर पूछ रहे थे। तो पहले मुझसे पूछते, अब क्यों पूछ रहे? नहीं पूछ रहे थे, अभी वैसी फुटेज खा रही है, वैसी फुटेज खा रही है। नहीं मुझसे पूछ रहे थे और अभी क्या आगे? नहीं नहीं, अभी बोल रही थी कि तुम चेंज कर लेते अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा था। मैंने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था यार। भाई चार पोटलियां बची थी, आमिर कैसी बातें करो जब तुम गए थे अंदर। खैर लाइए जी आज की आखिरी पोटली, पोटली नंबर 7। अभी तक -10 लाख नहीं निकला है, +10 लाख भी नहीं निकला। हाँ वो भी नहीं निकला। रबीका कितनी खुश हो रही है तुम आज जीत कर, बताओ कितना अमाउंट है रबीका? +10 लाख जी। +10 लाख ओके। अब्दुल बासित +10 लाख +10 लाख हाँ जी। मीर -10 लाख ये बात चाबा जीरो -10 लाख यानी कि +10 लाख है ना। हाँ जी यहाँ से पूछूंगा तूबा से, तूबा की बड़ी दोस्ती है शादाब से, बहुत अच्छा होगा। और यहाँ से अभिया से जरूर पूछना चाहूंगा, अभी आपको क्या लगता है जितना अमाउंट निकला होगा? तो माइनस होगा। माइनस कंफर्म जी। अभी तक निकल गए, उनकी अभी क्यों निकलेंगे? तक माइनस निकले नहीं वैसे इनके, कोई मसला नहीं, अब निकल जाएगा। चलिए मैं जल्दी से देखता हूँ पोटली नंबर 7 में। सात नंबर है तो फिर तो अच्छा नहीं यार, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, फौरन से फौरन बता दूंगा। जीत तो चुके हैं ये लोग, -18 लाख तो निकल नहीं सकता इन लोगों का। तो -18 लाख पे है आज चैंपियन जो के हार चुके हैं। 5 और 4 9 लाख रुपए में थे टीम टिकटॉकर्स, और शाताज लेकर आई पोटली नंबर 7। रबीका को, अब्दुल बासित को और हरीम को लगा कि इसके अंदर है 10 लाख, और कभी कभी तुम लोगों को सही लगता है, लेकिन आज गलत लगा, -5 लाख। अभी यह सबसे ज्यादा खुश है, -5 लाख के बाद भी आपका ग्रैंड टोटल हुआ +4 लाख, इसलिए ये 1 नहीं 2 नहीं 3 स्कोर जाएगा पूरा आप लोगों के साथ। आ जाओ जल्दी से टीम टिकटॉकर्स, हो जाए। कह देना आंखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। बड़ी बड़ी
इतना पूरा का पूरा डेढ़ मिनट है तुम लोगों के पास, बहुत सारी बातें कर रहे थे, खामोश हो जाए। मैं नहीं, अपने नहीं। टीम को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि वो कैसे बना रहे बिलाल को इस छोटे से चार्ट में, कैसे बना रहे, कैसे कर ले। वाकई में बहुत टैलेंटेड हो बिलाल को इसमें बना रहे। चलो और आगे किसी ने। अभी हाँ, अब आज बिल्कुल उबला हुआ अंडा लग रही है और वो भी बिना सर्दी के, थोड़ा जल गया। ये वन ऑन वन तुम्हारे साथ क्यों हो जाती है, ये सारी बातें तुम्हें बोल रही होती है। असल में अबीहा को मैं बहुत पसंद हूँ क्योंकि इसको मेरे दांत, मेरी हंसी, मेरी खूबसूरती से जलसी है, इसलिए ये मुझे बोलती रहती है कि मैं नहीं नहीं हो सकता, जेन्युइनली पसंद हो आप उन्हें। हाँ तो जेन्युइनली पसंद है, वो कहती है तुम बहुत प्यारी हो और ये और वो करके, और फिर मैं एक बात जानता हूँ, अभी 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 आप बताएंगे अभी की आप कितनी प्यारी हैं और क्या क्या बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बोले, मैं आपको मौका दे रही हूँ। मासूम नहीं है अभिया, बिल्कुल भी क्या कहा तुमने, मासूम नहीं है, तुम मासूम हो नहीं, मैं भी नहीं, ये भी नहीं है भाई। अच्छा जी और क्या कह रहे हैं। तूबा ने बीज गाया तो पैर पे दरख्त उग रहे हैं। तूबा ऐसे लग रही जैसे किसी पीली बिल्ली को करंट लगी हो। और हरीम आपने कुछ कहना है, नहीं खामोश रहना है। अच्छा जी बस गाइस, चलिए जी कुछ नहीं बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।